चीयर्स ऐसा हमारा चीयर्स ऐसा हो रहा है। ये कौन से लस्सी पार्टनर्स, चाय पार्टनर्स के बाद हम लस्सी पार्टनर्स हो गए। मैंने अपनी नाक से भी लस्सी पी है, ये देखो आप लोग। मम्मी नाक लस्सी, नाक लस्सी। और ये आदमी जो है अत्यंत नखरेबाज है, इनको लस्सी नहीं पीनी। बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, जबकि कोई मीठी नहीं है। खा पी के टनाटन हुए हैं सब लोग। नमस्कार। और हम कहाँ आ गए, पता नहीं कहाँ। चले विज्ञान के, क्या देखोगे तुम लोग, कहाँ घुस रहे हो। रीजनल साइंस म्यूजियम, किताब में भी साइंस, यहाँ भी साइंस। मैं जाके मक्खी मारूंगी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ गाड़ी, यहाँ गाड़ी भी थोड़ी। चलो क्यों नहीं जा सकते। हेलो डायनासोर, हेलो डायनासोर। वो देखो वो डायनासोर वाला जो है, ये छोटा वाला भी डायनासोर है। हाँ ये छोटा अलग टाइप का डायनासोर। अरे ये टर्टल, टर्टल के टाइप में जो थे वो डायनासोर वाले जो थे। अरे वो तो मैमथ है क्या। हाँ देख लो, देख हाँ वो मैमथ है। हाँ ये सबसे वेजिटेरियन थे और सबसे बड़े हुआ करते थे साइज। हाँ ये बड़े से थे इसलिए थे क्योंकि मेरे पेड़ से बहुत बड़े बड़े होते। हाँ ये इसका नाम है ब्रैकियोसॉरस। सबके नाम दिए हैं। हाँ ब्रैकियोसॉरस है ना। हर्बीवोरस तो भाभी हम लोग बच जाएंगे, और तो बाकी तो है कार्निवोरस। ये वो रहा कार्निवोरस। ये कैसे था देखो, क्योंकि बिटवीन 2 मिलियन एंड 15,000 ये देखिए 2 बिलियन साल पहले से लेके 15,000 साल तक बहुत लंबा, मतलब इनका टाइम है। ऐसा नहीं है ये की आगे है, चलो चलो भाई। देखिए कितना सुंदर है ये साइंस म्यूजियम भोपाल। वेलोसिटी भी तभी करना है, इसलिए नहीं दो टर्म है ना, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। हाँ जिसमें आप स्पीड के साथ डायरेक्शन डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो वेलोसिटी बन जाएगी। अदरवाइज उसको स्पीड बोलोगे, जैसे कार की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है, लेकिन पर्टिकुलर एक बॉल की स्पीड हम देंगे ना उसको वेलोसिटी बोलेंगे। दैट मींस कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में वो स्पीड। उधर भी पीछे भी कुछ काम है, वो हम एक्सपेरिमेंट मार देंगे। हां ये वाला, ये देखो अपने इंडियन साइंटिस्ट जितने भी हैं, ये बाप बेटा का कॉमन जोन है डिस्कशन का, और मतलब पारिवारिक इफेक्ट है शायद ये। फोटो भी ले लेना है, क्या होता है
प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स प्रेसिडेंसी कॉलेज अवकाशपुरा प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये हैं हमारे जगदीश चंद्र बोस जी। विक्रम अम्बाल सारा भाई, सारा भाई वो है वो सैटेलाइट वाले का। हाँ वही है, मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के हैं। हाँ बेटा अपने काम की नहीं। द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया सीवी रमन। बार का फुल फॉर्म क्या था? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहीं पे है बाबा, यही है बाबा। ये हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और इनके नाम पे क्या चलता है बेटा? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इन लोगों को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं, दे आर द पिलर्स ऑफ इंडिया। चंद्रशेखर वेंकट रमन, एंड चंद्रशेखर वेंकट रमन इज शायद ये नोबल पुरस्कार जीता था इन्होंने। सीवी रमन, हाँ सीवी रमन, द रमन एक्सपेरिमेंट्स, हाँ द रमन इफेक्ट, करेक्ट द रमन इफेक्ट। अभी याद आया कुछ मुझे भी। ये हैं सत्येंद्रनाथ बोस, बीरबल साहनी, सही बात है अभी कच्ची है। बोला ना जैसे बोला देसी बादाम तो कहता काज। वो देखो अलग अलग ओपनिंग से इन्होंने बोला है ना, तो ये बोल रहे हैं कि वही लिखा है यहाँ पे, पर्टिकुलर एक वेलोसिटी देंगे तभी वो क्रॉस करेगी। वही बात है ना, अगर तेज भी दे देंगे ना तो वो जाके यहाँ से टकरा जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी। हाँ वही बाउंड्री, इसके पीछे का साइंस यही है कि आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देंगे, मतलब कि चेंज इन स्पीड विद द टाइम। ऑन सीरियस नोट साइंस डिस्कशन, जैसे फ्री फॉल होता है ये कुछ नहीं होता है। ये देखो हर पौधे की पहचान के लिए यहाँ पौधे लगाए। देखो इमली का पौधा कैसा होता है वैसा होता है, छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, अनार का पौधा वैसा, घोड़ा ये सब के आगे देखो लिखा हुआ ना सतावली अनार वाला पौधा। मुझसे याद है हम लोगों को अपने अनार वाला पौधा उठा के ले जाना है, इस घर में भी लगाया ना अनार का पौधा। ये देखो साइंस एक्सपेरिमेंट हो रहा है साइंस म्यूजियम में। इसके पीछे की फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी होती है वो आप लोग बताइए, मुझे नहीं पता। आयु से भी अच्छा आयु डाल नहीं पाएंगे। हो रहा है रिकॉर्ड उठाना सब। बेबी को करने दो, स्लो मोशन है उसमें, स्लो मोशन है ना। मुझे नहीं बनता स्लो मोशन करते, मैं देखता हूँ मेरे में है, मुझे नहीं बनता कैसे स्लो मोशन करना है। मिल गया हाँ ऑन हो गया, हाँ स्टार्ट करो। 1 2 3 4 कुछ जीत गया। Oh,
इसके पीछे की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है सब इसमें है। और ये हमारे घर के जो साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने में। ये देखिए, वाह वाह। अच्छा ऊपर तक जाएगा फिर इधर से? नहीं, वो जहाँ से रोटेट करके इसमें गिराएगा। मगर हमको क्या करना है, उसमें पढ़ाया बताया ये गया है ना, देखो अभी हमारे पास वहाँ पे क्या है, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉल के पास। मतलब कि जो एनर्जी ड्यू टू हाइट, ठीक है। अभी जब ये गिरेगा नीचे, अब यहाँ से ये फॉल, अब यहाँ से देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी इसकी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी स्पीड, बढ़ती जा रही ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स नहीं इट्स मोशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गई थी सारी काइनेटिक। देखो पोटेंशियल एनर्जी, आ जाओ उधर नीचे, एक ही दिया हुआ ना, दो तीन दिन आप चलो जैसे ऊपर तक करें स्लो मोशन। हम इसको क्या कर रहे हैं इस समय हम इसको पोटेंशियल एनर्जी देते जा रहे हैं, जितनी हाइट बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब यहाँ से अब हमने टर्न करके गिरा दिया, गिरा दो इसको, गिर गया ये हटाओ, ये आ गया। अब देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है, वो क्या रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है। नहीं जाओ कर लो, जाओ कर लो, कोई वो नहीं, कर लो, बाहर नहीं आएंगे बॉल सब, रुकी होंगी, सिखाओ उसको बनेगा तो। पोटेंशियल एनर्जी कर लेंगे, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ पढ़ा था एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कर लेंगे। ये जा रही है, ये बॉल जा रही है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी दी, वो काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करना है बताओ उसको, ऐसे ऊपर करके जाओ और जाओ और जाओ, बताओ ना, खड़े हो और चलें और चलें। अब देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी बॉल, ये आई बॉल, आई देखो बॉल आई, ये चक्कर घिनी करके काइनेटिक एनर्जी लेके। तो इसका क्या, तो गाइज इसका सार ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में, जो हमने हमारे घर के इंजीनियर से समझा। यार ये देखो इतने एक्साइटेड हैं, जितना पूछी एक्साइटेड उतने ये भी एक्साइटेड हैं। हमारे घर के आधे साइंटिस्ट उधर लगे हैं, आधे इधर लगे हैं। ये क्या हो रहा है जी, वाह। हमने पोटेंशियल एनर्जी ऐड की, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। इससे इन्होंने कुछ अलग से बताया गेम को, नहीं वही ये क्या, इसमें बताया नहीं है कि हो रहा, बस कला कला बाद गेंद इसका नाम रखा गया। वाह,
द एक्रोबेटिक बॉल मेरा थोड़ी मेहनत हुआ बॉल छोड़ने के लिए चढ़ना पड़ता है बेटा करेंगे हाँ हाँ उधर ही उधर ही ये आ गई हमारी कलावाज बॉल एक्रोबेटिक बॉल आजा और कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग ये मेरे को कैमरा पकड़ने के लिए और आगे भी एक एक्सपेरिमेंट है पूछी सर वो अरे इसको करो तब तो रिकॉर्ड करें ये हाँ ये जो सेंटर के पास ग्रेविटी वेल हाँ ग्रेविटी वेल है ये जितनी आज सेंटर में ग्रेविटी होगी उतनी तेज जा 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 उधर बहुत धीरे है वैसे तेज इधर बहुत तेज तो कृपया आप इसके बारे में कुछ अपना ज्ञान दें ग्रेविटी वेल मतलब जितनी ज्यादा ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर होगी उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ती रहेगी जैसे सन का एग्जांपल ले लो सन के बाद जितनी क्या होता है जैसे मर्क्यूरी उसकी स्पीड तेज है फिर उसके बाद वीनस की थोड़ी धीरे हो गई फिर अर्थ की और थोड़ी धीरे हो गई सब समझ गई सेंटर से दूर होते हैं तो स्पीड धीरे होती है पास होते हैं तो स्पीड तेज होती है अब मैं उधर नहीं आ रही वो रिकॉर्ड करो ये गीला है यहाँ पे लो लो ये वाला करना है चीटी काट रही है तुम वो देखो ये कुछ लिखा है देखते हैं रोलर कोस्टर अच्छा रोलर कोस्टर है सीजी थोड़ी सी कम रहेगी।